हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और भाइयों, आज हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं भाई टाटा सफारी, और वो भी भाई ऑटोमेटिक। और भाई ये आप देख रहे हो अपना जो है अपना XM AS वेरिएंट, जिसमें आपको भाई ऑटोमेटिक के साथ पैनोरामिक सनरूफ भी मिल जाती है। और भाई सारी की सारी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्या आप लोगों को इस वेरियंट के अंदर मिलता है, क्या कुछ नहीं मिलता है, और क्यों भाई ये गाड़ी बहुत बहुत ज़्यादा भाई पॉपुलर अपने सेगमेंट में। आपको बताए कि सीधा सीधा कंपटीशन है इसका अपने XUV700 के साथ। भाई दोनों ही गाड़ियाँ बहुत ज़बरदस्त हैं, बिल्ड क्वालिटी वाइज भी और भाई हर एक चीज़ में। सबसे पहले बात कर लेते हैं गाड़ी के डायमेंशन के बारे में, क्या कुछ आपको डायमेंशन मिलते हैं गाड़ी के। भाई तकरीबन तकरीबन आपको लेंथ मिलती है इसकी 4661 mm की, और जो गाड़ी की चौड़ाई है वो भी भाई बहुत ज़बरदस्त है, 1894 mm, और जो गाड़ी की हाइट है 1786 mm। और आपको पता है 7 सीटर में आती है अपनी ये गाड़ी, क्योंकि सेम हरियर का ही वो मॉडल है ये अपना, बट इसको 7 सीटर बनाया गया है कुछ एडिशनल चेंजेस के साथ। और जो भाई 2 लीटर का आपको इसमें डीजल इंजन मिलता है, और जो कि पावर भाई जनरेट करता है अपनी 168 bhp और 350 Nm का टॉर्क। और जो कंपनी माइलेज क्लेम करती है दोस्तों उसकी, वो करती है 14 kmpl की। और भाई तकरीबन तकरीबन आपको आप बात कर लेते हैं हम अपना जो है भाई इसमें आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है ना दोस्तों, वो मिलता है 205 mm का। और जो गाड़ी का कर्व वेट है वो अपना 1825 mm का, जो कि बहुत ज़्यादा है अपना, ज़बरदस्त है भाई अपना, क्योंकि जो कि सीधा दिखाता है कि आप लोगों की बिल्ड क्वालिटी वगैरह कितनी गाड़ी की ज़बरदस्त है। और जो अपना तकरीबन तकरीबन 50 लीटर का आपको टैंक मिलता है दोस्तों इसमें, और अपना चारों डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और जो भाई अगर बात करते हैं ब्रेकिंग वगैरह, सेफ्टी वगैरह क्या कुछ मिलता है आपको, भाई जो स्टैंडर्ड फीचर है इसमें अपने ABS EBD ब्रेक असिस्ट और ESP इन द सेंस इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। और भाई हिल होल्ड कंट्रोल मिलता है आपको, TCS मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिलता है आपको इसमें दोस्तों। और अपना बात करते हैं भाई अब गाड़ी के बारे में, तकरीबन आपको पड़ती है भाई नोएडा के अंदर 22,29,000 रुपये की गाड़ी आपको ऑन रोड पड़ती है भाई नोएडा के अंदर। अभी बात करते हैं भाई गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल के बारे में, भाई फ्रंट में आपको क्या क्या कुछ मिल रहा है। उससे पहले दिखाना चाहूँगा मैं आप लोगों को चाबी, भाई गाड़ी की चाबी कैसे मिलती है, इतनी बड़ी गाड़ी है भाई चाबी तो बड़े प्रीमियम सी होनी चाहिए। देखो दोस्तों ऐसी कुछ आपको की मिलती है इसमें, सिंपल एक अपनी चाबी मिलती है और एक रिमोट की मिलती है, जिसमें आपका अगर हम लोग लॉक करेंगे तो साइड वाले मिरर बंद हो जाएंगे और अनलॉक करेंगे तो खुल जाएंगे, जो कि बहुत बढ़िया बात है। अभी बात करते हैं भाई ये फ्रंट में क्या कुछ मिलता है आपको इसके अंदर। सबसे पहले तो बहुत ही मतलब एकदम भाई बल्कि लुक मिलती है सबसे, जो कि भाई इस गाड़ी को अलग ही दिखाती है रोड पे, लोग मजबूर हो जाते हैं देखने के लिए मुड़ मुड़ के कि भाई ये कौन सी गाड़ी है, क्योंकि भाई गाड़ी की चौड़ाई आपको बताई मैंने ज़बरदस्त एकदम, और जो रोड प्रेजेंस है वो भी बहुत अल्टीमेट है। और अपना सबसे पहले बात कर लें हम लोग ये अपना जो सामने ये भाई अपना जो है दोस्तों, ये LED DRL नहीं है, ये देखा होगा आपने कुछ सेकंड के अंदर गाड़ी ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है। ये अपना जो है भाई हेलोजन है लाइट, यहाँ पे कुछ आपको कुछ नहीं मिलता, अपना हेलोजन में मिलता है। अगर आप और उससे ऊपर वाले वेरिएंट में जाएंगे तो आपको LED मिलेगा, बट ये LED नहीं है आपको, सिंपल अपना कोने पे एक इंडिकेटर मिल जाएंगे। और ये अपना प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है आपको ऐसा कुछ, ये अपना भाई वो लो बीम ये हाई बीम, और कुछ क्रोम का पार्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है लाइट के नीचे, जो कि भाई इसकी लुक को और ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है। और ये जो कर्व्स है ना ये देख रहे होगा आप, जो बोनट्स किससे आ रहे हैं भाई एकदम, जो कैमरा मैंने पकड़ा हुआ है बिल्कुल ऊपर पकड़ा हुआ है, और भाई बड़े मतलब अल्टीमेट से कर्व है, एक जो कर्व ही आ रहा होगा आपको देख रहे होगा, ये बड़ा अल्टीमेट लग रहा है। और गाड़ी जो है ना मतलब कि वैसा नहीं है कि मतलब थोड़ा सा और गाड़ी वगैरह बॉक्सी सेप रखी हुई है, बिल्कुल मतलब बहुत ही प्रीमियम गाड़ी लगती है। और ये यहाँ पे क्रोम में आपको ट्रायर हो गए भाई पैच ये मिल जाते हैं भाई इंसर्ट कुछ, अपना प्याज ग्लॉस ब्लैक के अंदर अपना टाटा का अपना सिल्वर कलर का लोगो भाई क्रोम में, बहुत ही अल्टीमेट। और बिल्ड क्वालिटी भाई आपको पता है सफारी है, नाम से लिखती है यारो बड़े ही। और डुअल कलर के अंदर आपको भाई ये बम्पर देख रहे होंगे आप, उसका अपने ग्रे कलर के अंदर गाड़ी है, और ब्लैक कलर की आपको क्लैडिंग वगैरह नीचे मिल जाती है। और ऐसी कुछ आपको गाड़ी भाई पूरे के पूरे उसमें फ्रेम में देख पा रहे होंगे, बहुत ही मतलब बल्कि यार अल्टीमेट एकदम। फॉग लैंप आपको इसके अंदर नहीं मिलते हैं इस वाले वेरिएंट में, बट हाउसिंग मिल जाती है, अगर आप चाहो तो एज एसेसरी उसको लगवा सकते हो। सिंपल यहाँ पे आप देख रहे होंगे वही अपना जो हेक्सा में आते थे पहले भाई, जो स्टील रिम बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट है। अपोलो के टायर मिलते हैं भाई इसमें आपको, 235/70 R16 in के भाई टायर प्रोफाइल मिलती है। और भाइयों आप करते हैं अपना गाड़ी को अनलॉक,
इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल आपको मिरर मिलते हैं साइड वाले, जैसे कि आप देख सकते हो, और हल्का सा एक इंडिकेटर ब्लिंक होता है। अभी चलते हैं भाई, यहाँ पे कोई आपको क्रोम वगैरह का वर्क नहीं मिलेगा इसमें, सिंपल आपको डोर हैंडल हैंडल मिलते हैं बड़ा। अभी दिखाते हैं आपको क्या कुछ आपको मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे नॉर्मल सा आपको भाई ये देखेंगे अपना जो है, देखते हैं ये डोर भाई क्या बात है भाई, ये मतलब हर एक गाड़ी के अंदर है टाटा की। अपना जो है भाई 90 डिग्री आपको डोर मिलते हैं, 90 डिग्री में डोर खुलते हैं सॉरी, और गाड़ी के दरवाजे की चौड़ाई देख सकते हो आप, अपने आप में ही एक चीज़ है भाई अल्टीमेट एकदम। और अपना जो है यहाँ पे सॉफ्ट टच मिल जाता है आपको, ये बहुत अच्छी चीज़ है। हल्का सा मतलब ज़्यादा नहीं मिलेगा बट हल्का है फिर भी जो कि, और जो भाई ये देखो ना दरवाजे की यार जो चौड़ाई है बहुत अल्टीमेट है भाई साहब, मतलब कि अल्टीमेट यार एकदम, बहुत मजबूत है, कोई मतलब नॉइज़ नहीं कुछ नहीं, ये यहाँ पे ये देख सकते हो आप अल्टीमेट एकदम। और यहाँ अपना जो मिलता है ये भाई लैंप वगैरह जो कि नाइट में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। और ये देखो भाई हर एक गाड़ी के अंदर जो है ना टाटा की, ये चीज़ बहुत कैरी फॉरवर्ड की जाती है। ये अपना भाई बॉटल का आइकन यहाँ पे, और ये अपना जो है भाई यहाँ पे देखो ये रहा एक और सॉरी, ये अपना ये जो अम्ब्रेला वगैरह के लिए यहाँ पे अपना छोटा वाला छाता रख सकते हो। और ऐसा कुछ भाई आपको मिलता है यहाँ पे, सीट देख सकते हो आप लोग यहाँ पे भाई, ये अपना हाइट वगैरह एडजस्ट कर सकते हो आप लोग, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। अभी भाई दिखाते हैं गाड़ी के अंदर चलते हैं भाई, गाड़ी के अंदर क्या है, क्यों कंपनी भाई आपसे 22 लाख रुपए इस गाड़ी के ले रही है, क्या और क्या कुछ आपको दे रही है इसके अंदर। चलते हैं गाड़ी के अंदर हम लोग, और गाड़ी की भाई हाइट जो है ना नीचे से अगर आप देखोगे तो काफ़ी ऊपर है। चलते हैं अंदर गाड़ी के भाई, ये बहुत अच्छी चीज़ है जो टाटा की गाड़ी की कुशनिंग है ना, बहुत अल्टीमेट है यार एकदम, मतलब कि किसी भी चीज़ को जो है ना, सीटें जो है ना भाई लॉन्ग रूट के लिए तो भाई अल्टीमेट एकदम। सीट को थोड़ा पीछे करते हैं और दिखाते हैं भाई गाड़ी में मिलता क्या क्या आपको। सिंपल अपना सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, बड़ा प्यारा सा अपना जो है गोल स्टीयरिंग मिलता है, डी कट नहीं मिलता अपने आप लोग इसमें दोस्तों। अपना भाई ये प्लस माइनस ऑडियो कंट्रोल मिलते हैं सारे के सारे आपको, और वही गाने वगैरह चेंज करने के लिए यहाँ से लोग अपना ये सब। और ये अपने जो है भाई कंट्रोल मिलते हैं आपको, होम वगैरह मिल जाता है आगे जो फॉरवर्ड वगैरह करने के लिए गाना और वो सब। और सिंपल यहाँ पे अपना भाई पार्किंग लाइट मिलती है, इको मोड स्पोर्ट मोड ठीक है दोस्तों। और ये अपने एसी के कंट्रोल मिल जाते हैं यहाँ पे, कोई है मतलब कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलता आप लोगों को दोस्तों इसमें। और सबसे अब लगाते हैं भाई चाबी, ये देखो अल्टीमेट एकदम। अभी चाबी लगाते हैं गाड़ी के अंदर, हैं तो अभी एक बार बात कर लेते हैं कि भाई अपनी ऑटोमेटिक गाड़ी है ये, भाई ऐसा कुछ अपना जो है इसमें आपको मिलता है अपना जो है ये देख सकते हो आप लोग भाई, डिजिटल आपको मीटर मिलता है इसके अंदर अपना, ऐसा कुछ जो है भाई ऊपर अपना जो है फ्यूल वगैरह का मिल जाता है, नीचे आपको भाई सिंपल जो मिलता है टेम्परेचर वगैरह, और नीचे अपना वो भी दिखाएगा आपको इसमें। और जो इसकी भाई अपना दिखाते हैं आपको, ऐसे कुछ स्क्रीन मिलती है आपको छोटी सी भाई ये जो, और ये मतलब कि काफ़ी चीज़ें इसमें अपना जो है आप लोगों को देख सकते हैं। ये पीछे का कैमरा हो गया, इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, ब्लूटूथ वगैरह हो गया आपको, रेडियो वगैरह हो गया सारा का सारा। और यहाँ से आप लोग इसको ये देख सकते हो, काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं इसमें, वॉइस कमांड हो गया, थीम्स हो गई, क्या चेंज थीम वगैरह भी चेंज कर सकते हो आप लोग, और मोबाइल वगैरह कनेक्ट करना है ब्लूटूथ वगैरह। और इसमें आई थिंक आपको GPS नहीं मिलता इसके अंदर, ये अपना सारे के सारे यहाँ पे कंट्रोल्स वगैरह देख सकते हो आप लोग। और सिंपल अपना यहाँ पे देखोगे आप, ये तो पी पे गाड़ी लगी हुई है पार्किंग पे, और जो कि भाई इसको बहुत ज़्यादा, ये देखो इसका, ये भाई एक बुट लैम्प वो जो अपना यहाँ पे मिल जाता है आपको, एक लैम्प मिल जाता है इसके अंदर ग्लो बॉक्स के अंदर। और नॉर्मल जो कि भाई इसमें है सबसे बढ़िया चीज़, ये अपना माइक वगैरह मिलता है यहाँ पे आपको, ये लाइट मिल जाती है अपनी LED के अंदर भाई। अपना यहाँ पे जो सनरूफ वगैरह कंट्रोल मिलते हैं आपको,
ये अपना देख सकते हो आप, पैनोरामिक सनरूफ मिलती है इसमें, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और भाई बहुत ज़्यादा वाइड है, अपना दो बंदे बड़े आराम से निकल सकते हैं इसके अंदर से। ये देखो अपना इसको भाई बंद कर लेते हैं अभी हम लोग, कोई खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को भाई, ये बटन अभी खोलने वाले हैं, खोलने को इतना वो है नहीं अभी, जो धूल वगैरह बहुत ज़्यादा बाहर। और बात करते हैं अभी भाई ये अपना जेट वाला वो जो मिलता है अपना हैंड ब्रेक इसमें, और सिंपल एडजस्टेबल आपको मिलते हैं भाई ये जो फ्रंट के भाई हेडरेस्ट, और सिंपल यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाता है भाई। क्या कुछ देखा अपना, जो सारे पावर सॉकेट वगैरह इसमें दे रखे हैं अपने जो टाटा ने, बहुत बढ़िया चीज़ है। पीछे वाले लोगों के लिए पावर हाउस बना दिया भाई इन्होंने, 12 वोल्ट का चार्जर वगैरह अपना जो है वो फास्ट चार्जिंग वगैरह के दो सॉकेट मिलते हैं आपको इसमें। अभी भाई चलते हैं पीछे आपको लेके, क्या कुछ स्पेस मिलता है आपको इसमें, उससे पहले दिखाते हैं आपको भैया। आपको अगर मान लो कोई मेरा भाई अगर चला रहा है गाड़ी तो कह रहे यार ये हर एक उसमें तो हुंडई वगैरह में तो आपको स्विच यहाँ पे मिलते हैं अपने जो है पावर विंडो के पास, बट भाई टाटा में मिलेंगे आपको यहाँ पे, अगर आपको कोई मिरर वगैरह एडजस्ट करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हो अपना। ये जैसे मान लीजिए इधर करना है आपको, अभी तो वो उधर वाला हो रहा है, अभी इसको जो है मैं इसको अगर मेरे को ये वाला सेलेक्ट करना है तो मेरे को राइट पे क्लिक करूँगा मैं। ये देखो अगर आप बाहर देख रहे हैं तो मिरर आपको मूव कर रहा है, तो ये आप लोग आराम से वो कर सकते हो दोस्तों। तो अभी अपना जो है चलते हैं आपको लेके पीछे, क्या कुछ स्पेस आपको मिलता है पीछे। भाई ये आ चुके हम लोग गाड़ी के बाहर, और आपको चलते हैं लेके पीछे वाली रो में, आगे वाली सीट हम लोगों ने बिल्कुल पीछे की हुई है 90 डिग्री के अंदर। अपना जो है भाई पूरा का पूरा डोर खुल चुका है, और ये देखो भाई हर एक चीज़ को जो है ना बहुत अच्छे से मतलब वो किया हुआ है पूरा का पूरा मैनेज। यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिलता है अपने डॉक्यूमेंट वगैरह रख सकते हो आप लोग, बॉटल का स्पेस मिल जाता है यहाँ पे आपको। ठीक है दोस्तों अभी चलते हैं पीछे, भाई पीछे क्या कुछ मिलता है, बहुत कंफर्ट गाड़ी है यार ये। चलो भाई यार ये कुछ नहीं है ना भाई, थकान महसूस नहीं होने देगी आपको, जो रिक्लाइनिंग एंगल है ना इसका वो भी अल्टीमेट है, मतलब बहुत अगर देखोगे ना आप तो स्पेस वगैरह जो थाई अंडर थाई सपोर्ट है वो भाई बहुत बढ़िया है गाड़ी का। और जो कुशनिंग है ना ये देखो बहुत बढ़िया यार, कुशनिंग गाड़ी की अल्टीमेट है। और यहाँ पे दिखाते हैं आपको भाई ऐसा कुछ आपको डैशबोर्ड मिलता है अपना पूरा का पूरा, पीछे से बैठ के भाई लगता है कि किसी प्रीमियम गाड़ी में बैठे हैं। अभी दिखाते हैं भाई यहाँ पे ये सिंपल आपको ग्रैब हैंडल मिलता है, बड़ा सॉफ्ट साइज का अगर देखोगे आप तो खुल जाता है ये। और ये क्या है भाई, अपना हुक मिलता है यहाँ पे भी, अपना छोटा मोटा अपना कोट वगैरह टांग सकते हो आप लोग। और ये भाई LED हर एक बंदे के लिए सेपरेट दिया हुआ है, इधर एक हुक मिलता है आपको और इधर अपना ये LED मिल जाती है, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है भाई। बीच में आपको कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है, सिंपल आपको यहाँ पे जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। और अब भाई हर कोई भाई बोल रहा होगा यार पीछे बैठे हैं तो हवा कहाँ से खाएंगे भाई गर्मी में, भाई ये देखो हर चीज़ का ध्यान रखा गया, पिलर के ऊपर मिलते हैं भाई आपको, और ये प्रॉपर अपना AC के वेंट हैं ये जो अपना, ये देख सकते हो आप लोग इनको एडजस्ट कर सकते हो आप लोग, और बंद करने तो नीचे कर दो, खोलने तो भाई ऊपर करो उसको आराम से, बहुत बढ़िया तरीके से अपना भाई बंदे को एकदम चिल्ड कर देगा गर्मी के अंदर। चलते हैं भाई दिखाते हैं आपको थर्ड रो गाड़ी की, कि थर्ड रो में भाई क्या है गाड़ी में जो 7 सीटर को बहुत ज़्यादा मोस्ट वैल्यू फॉर मनी बना देती है। चलते हैं भाई आपको पीछे लेके अभी, भाई ये देखो यहाँ से जो है ना आप इसको सीट को फोल्ड कर सकते हो, यहाँ पे ये अपना देख सकते हो आप लीवर, इसको आप फुल ऊपर करोगे तो सीट फोल्ड हो जाएगी, और भाई ऐसा कुछ करके अपना यहाँ पे आपको आप लोग आराम से जा सकते हो पीछे अपना भाई, अच्छा खासा वो मिल जाता है आपको भाई, ऐसा कुछ स्पेस मिलता है आपको यहाँ पे जो है ना अपना भाई, यहाँ पे कप होल्डर मिल जाते हैं आपको, और इस साइड में अपना जो है भाई यहाँ पे बड़े बंदे तो बैठ नहीं सकते, बच्चे ही आएंगे, और यहाँ पे अपना एक लैम्प मिल जाता है आपको बड़ा प्यारा सा। और अपना यहाँ पे भाई अपना सीट एडजस्ट कैसे फोल्ड हो चुकी है, और सीटों को कैसे फोल्ड करना है और कैसे खोलना है वो सारा का सारा यहाँ पे आपको दिया हुआ है हर एक चीज़, ये देख सकते हो आप लोग। अभी भाई चलते हैं अपना पीछे, पीछे कैसे कुछ लगती है गाड़ी, और भाई हर चीज़ का ध्यान रखा गया है, पीछे वाले बंदों के लिए भी ना जो ना AC वेंट दिए हुए हैं भाई लोगों, वो देखो अपने यहाँ पे जो ना अगर आप देख पा रहे होंगे इधर। और भाई चलते हैं अपना वहाँ पे, देखो आप छोटी सी पॉकेट मिल जाती है आपको, और अपना भाई AC का कंट्रोल वगैरह करने के लिए वहाँ पे एक स्विच मिल जाता है छोटा सा आपको। अभी चलते हैं इसको सीट को करते हैं भाई, वो कर देते हैं और इसको करते हैं बंद,
और भाई दिखाते हैं आपको, पीछे से ऐसी कुछ लगती है गाड़ी, बहुत अल्टीमेट है। हाइट वाइट काफ़ी ठीक है गाड़ी की, और ये पूरी की पूरी एलईडी आपको मिलती है यहाँ पे, एलईडी टेल लैम्प मिल जाते हैं आपको। वो भाई यहाँ पे थोड़ा सा निराश किया है, डिफॉगर देने चाहिए थे इस वारंटी के अंदर हमें भाई, अपना जो है कोई टाटा भाई जो अपना ये जो कुछ भाई वो मिल जाते हैं एनिमल्स यहाँ पे एलईडी के अंदर। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिलता है आपको, और भाई वोकल फॉर लोकल का स्टिकर मिल जाता है ग्लॉस ब्लैक के अंदर, पूरा का पूरा ये एरिया मिलता है। और ये अपना रिवर्स कैमरा मिल जाता है यहाँ पे, सफारी की बैचिंग मिलती है आपको, और अपने भाई दो पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं आपको, और अपना भैया रिफ्लेक्टर वगैरह यहाँ पे मिल जाता है आपको। एक बार पीछे से खोल के देख लेते हैं भाई, ऐसा कुछ मिलता है आपको थोड़ा सा यहाँ पे। और ये अपने सीट फोल्ड करके फ्लैट फोल्ड हो जाती हैं लोग दोस्तों, और ये जो है उसको बंद कर लेते हैं हम लोग क्योंकि स्पेस वगैरह है नहीं पीछे। और एक लैम्प मिलता है आपको बुट में, तो ऑलमोस्ट भाई सब कुछ अपना हो गया। शार्पर एंटीना रह गया था, वो शार्पर एंटीना शार्पर नहीं है दोस्तों, ये अपना नॉर्मल वाला एंटीना है। और ये अपनी सफारी की बैचिंग रूफ रेल वगैरह यहाँ पे आ जाती है अपनी। ऑलमोस्ट भाई सब कुछ कवर कर लिया इस गाड़ी का हम लोगों ने, तो आप लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया होगा। अगर कोई मेरा भाई सफारी प्लान कर रहा है तो भाई वीडियो को देख के अगर आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है, अगर कि भाई डिटेल वॉक अराउंड किया हम लोगों ने इस गाड़ी का, तो होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो भाई वीडियो को लाइक शेयर, और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बढ़िया से बढ़िया वीडियोस हम लोग आपके लिए लेके आते रहें। थैंक यू सो मच।